बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पागलों पर टीवी की जानब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं, एक ऐसे चोर की कहानी है कि जिसकी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी जरूर हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद है, जिसके सबब दूर दराज में काम करने वाले इलाकों में मजदूर घर वापस जाने को तरस रहे हैं। भारत में गुज़श्ता दिनों एक मजदूर ने दूसरी रियासत में वाकई अपने घर जाने के लिए साइकिल चोरी कर ली, लेकिन इसकी मजबूरी का सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद इकबाल नामी ये मजदूर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बरेली का रहशी था और रोजगार के लिए रियासत राजस्थान में मुकीम था कि इसी दौरान लॉकडाउन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इकबाल का एक मजदूर बेटा था जिसे इसकी अशद जरूरत थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद होने और टैक्सी वगैरह करवाने के पैसे ना होने की वजह से इकबाल कई हफ्तों से राजस्थान में फंसा घर जाने को तरस रहा था। बिलाआखिर उसने राजस्थान के जिला भारतपुर में वाकया गांव रेरा से साहब सिंह नामी शख्स के घर से एक साइकिल चोरी की और इस पर 250 किलोमीटर का सफर करके अपने घर पहुंच गया। उसने साइकिल उठाते हुए वहां एक माफीनामा लिखकर रख दिया। उसने साइकिल के मालिक के नाम इस रुके में लिखा कि मैं मजदूर हूं, मजबूर भी हूं, मैं आपका गुनहगार हूं कि आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मुझे बरेली जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल बंद है। मेरा एक मजदूर बेटा है जिसके पास पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के साइकिल पर सैकड़ों किलोमीटर सफर करने की ये पहले खबर नहीं है। इससे पहले भी दर्जन मजदूर इससे भी ज्यादा सफर साइकिल पर करके अपने घर पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो के आखिर में हम दोस्तों आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि ईद का त्यौहार आने वाला है, इस खुशी के मौके पर अपने आस पास जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में फाका गुजारने पे मजबूर हैं और कुछ में ऐसे भी लोग हैं कि जो लोगों के सामने हाथ फैलाने से भी गरेजा हैं। तो ऐसे लोगों का खुदारा जरूर ख्याल कीजिएगा, रब ताला की जात जो है वो आपकी मदद जरूर करेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल पा ग्लोबल टीवी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।